हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज ना मौसम एकदम सुहाना सुहाना सा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज। मतलब ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकल रही है, धूप तो निकल रही है लेकिन इतना तेज़ नहीं निकल रही है। और इधर बच्चे लगे हुए अपना खेलने में, बच्चे भी जग गए दोनों। तो इधर बाबू कल ये वाला गाड़ी लेके आया है तो उसी से लग रहा है खेलने में, लेकिन लेके आया और आते ही तोड़ दिया। बस यही काम रहता है, कोई भी टॉय लेके आएंगे उसे एक दो दिन चलने नहीं देते, दोनों बच्चे तोड़ ही देते हैं। तो बाबू उसको ही लगा हुआ है अपना, कभी निकाल देता है और कभी उसको जोड़ देगा उसमें, ऐसे ही काम करते रहते हैं दोनों भाई। और इधर फिर अंदर भी चलने लगी दोनों भाइयों की मस्ती। दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं दोनों भाई, एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं है। नमन के बिना गोलू बिल्कुल भी नहीं रहता, जैसे ही नमन के दर्द मतलब चला जाएगा तो तुरंत बोलेगा नमन कहाँ है, नमन कहाँ है। मतलब नमन बोलता है, भाई नहीं बोलता है, वो उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रहता। बहुत ज़्यादा प्यार है दोनों भाइयों में। तो इधर दोनों भाइयों का चल रहा है मस्ती। फिर उसके बाद मैं आ गई थी सब्ज़ी कट करने के लिए, तो इधर मैं काट लेती हूँ सब्ज़ी। अभी मैंने झाड़ू पोछा किया नहीं है, झाड़ू पोछा थोड़ा बाद में करूँगी, पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ फिर उसके बाद करूँगी अपना झाड़ू पोछा। तो सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं, लौकी की और चना की दाल की मिक्स बनाऊँगी, तो वो भी सब्ज़ी अच्छी लगती है मुझे तो बहुत। हमेशा ही दाल डाल के लौकी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे खाली वाली भी अच्छी लगती है लेकिन ये वाली भी मुझे अच्छी लगती है, दाल वाली लौकी। तो इधर लौकी भी ना एकदम बड़ा बड़ा आ रहा था, वो तो मैं छोटा सा ये मिल गया नहीं, इससे और बड़ा बड़ा लौकी था लेकिन पका हुआ नहीं था। सारे लौकी अच्छे थे लेकिन काफ़ी बड़े बड़े थे और ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैं बोल रही थी इतना बड़ा लौकी और उससे जो मैं तो इसको मतलब देख के लाई तो इतना छोटा सा मिल गया नहीं, और बहुत सारे जो भी लौकी थे ना बहुत बड़े बड़े थे। फिर उसके बाद मैंने ये रात को ना चना की दाल भिगो के रख दी थी तो ये भी अच्छे से फूल गई अपना, और अब मैं इसको भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और एकदम फूल के ना पूरा टिफ़न भर गया, इतनी हो गई। तो इधर मैंने टमाटर प्याज डाल दिए हैं भुनने के लिए, और टमाटर प्याज थोड़ा ज़्यादा सा अच्छा लगता है, मतलब टमाटर भी ज़्यादा हो और प्याज भी मसाला, मतलब मुझे तो अच्छा लगता है। मैं हमेशा लौकी की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ तो अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। और इस टाइम पे कुछ सब्जियां भी बारिश की वजह से अच्छी नहीं आ रही हैं, और पता नहीं यहाँ पे तो सब्ज़ी अच्छी भी नहीं मिल रही है इतना ज़्यादा, और आलू तो इतना ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं, एकदम मीठे आलू निकल रहे हैं, पता नहीं आलू कैसे आ रहे हैं। सब्ज़ी बनाओ तो कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा सब्ज़ी में आलू से, आलू वाली सब्ज़ी बनाओ तो। तो इधर फिर घिया मुझे अच्छा लगा क्योंकि घिया वैसे तो ताज़ी था लेकिन बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा था, तो फिर इस वजह से मैं एक ही लेके आई। और जो लौकी मैंने कट की थी वो मैंने डाल दी अब बनने के लिए, और अब डाल देती हूँ नमक। कभी कभी तो मैं नमक डालना ही भूल जाती हूँ सब्ज़ी में, पता नहीं याद नहीं रहता, लास्ट में डालती हूँ ना तो फिर नमक डालने का मुझे याद ही नहीं रहता, कभी कभी भूल ही जाती हूँ। तो इधर मैंने थोड़ा सा ना पानी भी किया है लौकी में, वैसे तो लौकी पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है लेकिन थोड़ा सा कर दिया है ताकि अच्छे से हो जाए, थोड़ा टाइम भी लगता है ये चने वाली लौकी में, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसमें पानी भी कर दिया ताकि अपना अच्छे से पक जाए वो। फिर उसके बाद मैंने दे दिया उसको ढक, अपना आराम से बनती रहेगी। और आटा भी लगा देती हूँ क्योंकि आटा पहले लगा देते ना तो अच्छे से सेट हो जाता है, तब तक रोटियाँ बनाते हैं। तो अभी तो मैं रोटियाँ थोड़ा लेट ही बनाऊँगी क्योंकि अभी तो मुझे झाड़ू पोछा करना है, फिर बच्चों को भी देखना है, दूध वगैरह बच्चों को देना है,
बाबू बहुत टाइम लगाता है दूध पीने में, तो पहले मैं अपनी सारी तैयारी कर दी, फिर उसके बाद झाड़ू पोंछ करने में लग गई। और पता नहीं इस वाली टेबल पर इतना डस्ट कहाँ से आ जाता है, डेली साफ़ करूँ फिर भी कहीं ना कहीं से निकलता ही रहता है। तो इस वाली टेबल का तो मेरा डेली रहता है, वैसे तो जो भी मुझसे मतलब हो पाता है मैं सारी चीज़ों को डेली ही पोंछ देती हूँ, नहीं हो पाता है तो फिर अगले दिन पोंछ देती हूँ। पता नहीं इस वाली टेबल पर बहुत ज़्यादा डस्ट आता है, वैसे तो बारिश का मौसम हो रहा है फिर भी जैसे दिखाई नहीं देगा, जैसे पास से देखते हैं ना तो एकदम डस्ट सा दिखाई देता है। तो इसको पर मैं डेली मार देती हूँ कपड़ा, तो उससे दिखाई नहीं देता। फिर ये वाला खिड़की ना हमेशा खुला ही रहता है, तो मुझे लग रहा है यहीं से आता है, क्योंकि ये नाइट में भी खुला रहता है और दिन में भी, तो थोड़ा थोड़ा आता है तो फिर वो दिखाई देने लगता है डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट आने लगता है। और एकदम धूप अब तो बहुत ज़्यादा कड़वी वाली निकल रही है, क्योंकि जब मॉर्निंग में थोड़ा इतने अच्छे से नहीं निकली थी, लेकिन अब बहुत कड़वी वाली धूप हो गई है। और धूप में कहीं जाने का मन भी नहीं करता बाहर, नहीं ठंडा मौसम रहता है तो जैसे सर्दियों में मैं थोड़ी देर बाबू को बाहर लेके जाती हूँ नीचे खिलाने के लिए, लेकिन अब गर्मियों में ना जाने का मन ही नहीं होता है, क्योंकि धूप निकल आता है सुबह सुबह से, फिर जाने का मन ही नहीं होता है बाहर। फिर इधर मैंने सारा मतलब जो भी पहुंचने वाली चीज़ें थी वो अच्छे से साफ कर दी हैं। फिर इस वाले मतलब स्टोर रूम में आ गई मैं, स्टोर रूम में ना बहुत सारा सामान है, तो इसमें थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है झाड़ू लगाने में, क्योंकि सारा सामान इधर उधर करना पड़ता है फिर झाड़ू लगाना पड़ता है, सारा सामान इसमें ही भरा है एकदम स्टोर रूम है ना, तो इस वजह से मैं अपना जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होता है उसको इधर ही रख देती हूँ। और बच्चे भी एकदम परेशान कर देते हैं जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है, तो बच्चों के टॉय वगैरह भी मैं इधर ही रखती हूँ, तो बच्चे इसी रूम में खेल लेते हैं अपना। तो इधर नमन भी आके बैठा हुआ है, वो भी आके देखने में लग गया है, बाबू अभी आया नहीं है, वो दूसरे रूम में है। तो इधर मेरा झाड़ू लग गया, फिर उसके बाद मैंने लगाया पोंछा, पोंछा लगाने के बाद फिर बच्चों को दे देती हूँ रोटियाँ बना के, फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि नहाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बच्चों के कपड़े हो जाते हैं, वैसे तो कपड़े मशीन में धुलते हैं लेकिन बच्चे ना गंदे भी कर लेते हैं, तो फिर उनको जो भी गंदे ज़्यादा रहते हैं तो फिर उनको हाथ से धोना पड़ता है। और बाबू तो पता नहीं एक दिन में कितने ज़्यादा कपड़े निकालता है, वो खाना खाता है ना खुद से खाना खाएगा तो सारा टी शर्ट ख़राब कर लेगा, तो उसकी तो पता नहीं कितनी सारी टी शर्ट हो जाती हैं पूरे दिन में, तो उसका तो यही चलता रहता है, वो खाना भी ना खुद से ही खाता है। तो इधर पहले मैं बाबू को खाना खिला दूँगी ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपना शांत बैठा रहेगा, नहीं उनका बच्चा रहता है ना तो फिर रोता ही रहता है, तो इस वजह से बाबू को पहले खाना खिला दूँगी। तो इधर मैंने बच्चों के लिए ही रोटियां बनाई हैं और बाकी की रोटियां बाद में बनाऊंगी। फिर चले गई थी मैं नहाने के लिए, और नहाने के बाद आ गई मैं, खाना पीना सबका हो गया, बच्चों ने भी खाना पीना खा लिया, और फिर मैं आ गई सिलाई करने के लिए। एक सूट ना मैं काफ़ी टाइम से रखा है, कट करके मैंने रख दिया है और उसको थोड़ा बहुत सिल भी लिया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है अभी तक, तो मैं सोच रही थी आज इसको भी पूरा कर देती हूँ, डेली डेली रह ही जाता है, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस सा, तो इस वजह से आज मैं बिल्कुल भी लेट ही नहीं, चलो मैंने आज ये वाला काम पूरा कर देती हूँ, क्योंकि एक बार खाना खाने के बाद लेट गई तो फिर मैं सो ही जाती, तो इस वजह से आज मैं लेट ही नहीं, और बाबू को सुला दिया है, और इस वाले सूट को आज मैं कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें रखी रहती हैं ना, तो फिर बोझ सा लगता है कि कब उसको ख़त्म करें और कब अपना काम फ्री हो, क्योंकि ये भी काम करना ही पड़ता है। तो मैं ऐसे ही अपने काम कर लेती हूँ, वैसे मैं बाहर का सिलाई नहीं करती, अपना ही करती हूँ, तो जिससे वो रहता है ना अपना, कभी भी कर लो कैसे भी कर लो, तो इसके लिए भी मैं अपना समय निकाल लेती हूँ। और इससे ना मुझे तो सिलाई करने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है सिलाई करने में, लेकिन बच्चे हैं ना थोड़ा, तो इस वजह से थोड़ा आलस कर जाती हूँ, नहीं सिलाई करने में अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे भी परेशान कर देते हैं ना, तो फिर ऐसे कभी कभी मन सा नहीं होता, लेकिन अपने तो मैं सारे सूट वगैरह खुद ही सिल लेती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।